दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, बट दिस स्टोरी प्रिसीड्स लाउड ट्रैफिक, डर्टी बीचेस एंड ह्यूज बिल्डिंग्स। ये उन दिनों की कहानी है जब यह शहर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। ये उन दिनों की कहानी है जब बालासाहेब ठाकरे सिर्फ एक नौजवान कार्टूनिस्ट थे। ये उन दिनों की कहानी है जब बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था। आज़ादी के पहले से बॉम्बे ने लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था। लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आते, एक सपना लेकर आते, एक होप लेकर आते कि वो अपने परिवार को एक इज्जत भरी ज़िंदगी दे सके। पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर मेहनत से काम नहीं चलने वाला, एक बिना प्रॉपर एजुकेशन के यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो जो भी बॉम्बे आता वो नए नए तरीके पैसे कमाने के ढूंढने लग जाता। कभी कोई आसान तरीका, कभी कोई गलत तरीका। इट ऑल स्टार्टेड विद डकॉयटी, जब नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स चाकू दिखाकर धमका लोगों से पैसे ले लेते। ऐसे चोरी चकारी बॉम्बे के गलियों में कॉमन हो गई थी और ऐसे छोटे छोटे गैंग्स बनना शुरू हो गए थे। गैंग्स का नाम उनके नेटिव प्लेस से जुड़ा रहता था, जैसे कि अलाहाबादी गैंग या तो कानपुरिया गैंग। ऑल दो ये सब गैंग्स अपने एरिया में स्ट्रांग थे, बट दे नेवर ग्रू लार्ज इनफ टू कंट्रोल ओवर द सिटी। व्हाइल दिस गैंग्स फ्लरिश्ड, देयर वर अदर पावर्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज वेटिंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। वन ऑफ देम वॉज पठान गैंग। अराउंड 1930 अब्दुल करीम खान, एक 7 फुट हट्टा खट्टा पठान, पेशावर से बॉम्बे आता है कुछ पैसे कमाने के लिए। ही सेटल्स इन टू साउथ बॉम्बे एंड वहाँ पर वो अपने लिए घर रेंट करता है। करीम खान उर्फ करीम लाला, ना ही वो पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास कुछ स्पेशल स्किल थे, तो इसलिए पैसे कमाने के लिए उसने गैम्बलिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे वही गैम्बलिंग उसका सोर्स ऑफ इनकम बना। उसने वो गैम्बलिंग क्लब का नाम सोशल क्लब दिया एंड धीरे धीरे अमीर, गरीब और भी किस्म के लोग उस क्लब से जुड़े। जो रेगुलर मेंबर्स थे क्लब के, वो कभी कभी जुए में पैसे हार जाया करते। पैसे हार जाने के बाद वो करीम खान से पैसे उधार लेते। करीम खान को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, तो इसी तरह करीम खान उन उधार दिए हुए पैसों का इंटरेस्ट कलेक्ट करने लगा और इसी तरह बना करीम खान करीम लाला। करीम लाला का सोशल क्लब अब बॉम्बे का एक क्राइम हॉटस्पॉट बन चुका था। पुलिस वालों का आना जाना तो वहाँ पर नॉर्मल था। करीम लाला पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने जेब में रखता, कंट्रोल करता। उसको पुलिस वालों के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी, सिवाय एक पुलिस कांस्टेबल के, इब्राहिम कास्कर। इब्राहिम वॉज दी ऑनेस्ट मैन। वो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, ना ही कभी किसी गैंग लीडर से वो डरता था। यही बात करीम लाला को पसंद आई, इसलिए करीम लाला अपने 10 साल छोटे होने के बावजूद इब्राहिम को प्यार से और इज्जत से इब्राहिम भाई बुलाते थे। करीम लाला एक अकेला अफगानी पठान नहीं था जो बॉम्बे में अपना धंधा जमाना चाहता था। इवन उनके भाई और कुछ अफगानियों का भी मनी लैंडिंग का बिजनेस चल रहा था। पठान कम्युनिटी काफी आगे बढ़ रही थी बॉम्बे में और अननोइंगली इस कम्युनिटी का बेताज बादशाह करीम लाला बन गया था। बॉम्बे और स्पेशली साउथ बॉम्बे में करीम लाला का दबदबा बढ़ रहा था। उनका बिजनेस गैम्बलिंग और मनी लैंडिंग से एक्सपांड होकर मैटर पटाना और खोली खाली करवाने तक पहुंच गया था। मैटर पटाना अंडरवर्ल्ड का एक स्लैंग था फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, एंड खोली खाली करवाना मतलब फोर्सफुली किसी का घर खाली करवाना। ये सब कामों के लिए करीम लाला बड़ा अमाउंट चार्ज करता था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सराउंडिंग करीम लाला। ऐसा कहा जाता है कि करीम लाला के पास एक स्टिक हुआ करती थी, एक वॉकिंग स्टिक, एक एक्सपेंसिव वॉकिंग स्टिक जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी, और वो उस स्टिक को हमेशा अपने साथ रखते। जहाँ भी जाते वो उस वॉकिंग स्टिक को साथ ले जाते। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही जैसे उनका दबदबा बढ़ता गया, वो खोली खाली करवाने के लिए खुद जाना बंद कर दिए। अब अगर किसी को खोली खाली करवाना होता
करीम लाला अपने गैंग मेंबर्स के थ्रू अपनी वॉकिंग स्टिक वो घर के यहाँ पर रख देते। जब घर के मेंबर्स आते वो स्टिक को देखते तो बिना किसी सवाल जवाब के वो घर यानी वो खोली खाली कर देते। करीम लाला को अब कोई पैसों की कमी नहीं थी, बस वो एक इंतज़ार में थे कि कब वो अपना पंख खोले, क्योंकि फ़िलहाल उनका इन्फ्लुएंस अभी सिर्फ साउथ बॉम्बे तक ही सीमित था। बट ही वॉन्टेड मोर एंड हिज मसल पावर डिडंट गो अननोटिस्ड। जहाँ एक तरफ पठान्स साउथ बॉम्बे पर अपनी छाप छोड़ रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ सेंट्रल बॉम्बे में एक साउथ इंडियन डॉन अपनी दुनिया बना रहा था। वर्धराजन मुनिस्वामी मुढालियर का जन्म तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में हुआ था। अपने अर्ली ट्वेंटीज में वो अपना गांव छोड़कर बॉम्बे आ जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। उसने एज अ कूली स्टार्ट किया विक्टोरिया टर्मिनल्स में। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग गाय। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो रोज मस्जिद जाकर नियाज अदा करता। नोबडी एग्जैक्टली नोज हाउ वर्धराजन एंटर्ड इनटू द अंडरवर्ल्ड, बट हिज ग्रोथ वॉज एक्सट्रीमली रैपिड। समवेयर अलॉन्ग द लाइन वर्किंग एज कूली, वर्धराजन ने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो इन्वॉल्व थे इलीगल लीकर ट्रेड में। प्रोबेबली ये उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी, बिकॉज अर्ली 1950s में मुरारजी देसाई बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने अवैध शराब के धंधे पर बैन लगा दिया था। इस डिसीजन ने रातों रात अवैध शराब के धंधे को एक गो टू बिजनेस बना दिया था। सब इस धंधे में घुसना चाहते थे, उनमें से एक था वर्धराजन। वर्धराजन अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस बिजनेस में उतरता है एंड क्विकली डेवलप्ड एज अ पावरफुल कॉम्पोनेंट। एंड जस्ट लाइक दैट वर्धराजन बिकेम वर्धाभाई। वर्धाभाई की पहुंच दूर दूर तक थी। इवन ही हैड अ कॉन्टैक्ट्स इन गवर्नमेंट एंड पुलिस। जब भी वर्धाभाई को पुलिस ऑफिसर से कुछ काम रहता, वो उसके ऑफिस में एक ब्लैक टी भेजवाता। द ब्लैक टी अनाउंस्ड हिज अराइवल। जब भी एक ब्लैक टी कोई पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में आता, वो पुलिस ऑफिसर को वर्धाभाई का इंतज़ार करना पड़ता। और उसी बीच अगर कोई नागरिक कंप्लेन फाइल करने के लिए ऑफिस में आता, ही हैड टू वेट। दिस वॉज वर्धाभाई पावर। वर्धाभाई यूज टू हैव बैठक्स इन हिज ओन कोर्ट, जहाँ उसके इलाके के लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते और वर्धाभाई उन्हें सुलझाता। वर्धाभाई का बिजनेस सिर्फ अवैध शराब के धंधे तक ही सीमित नहीं था। He was also involved in prostitution. Although he made enough money, there was always scope for more. Vardhabhai जानते थे कि इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा smuggling में है, but he was just waiting for the chance to get into it. Most of the smuggling business in Bombay was under one man, a certain stylish don who had his roots in Tamil Nadu. मस्तान हैदर मिर्ज़ा भी वर्धराजन की तरह तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब वो 8 साल का था, वो अपने पिता के साथ गांव छोड़कर बॉम्बे आ गया। यहाँ वो अपने पिता के साथ मिलकर एक साइकिल रिपेयर शॉप चलाता। पर जल्दी हाजी मस्तान को ये बात समझ आ गई थी कि साइकिल रिपेयर शॉप में इतने पैसे नहीं है। इसलिए जैसे ही वो 18 साल का हुआ, उसने साइकिल रिपेयर शॉप में काम करना छोड़कर डॉक्स में एज अ कूली काम करना स्टार्ट किया। यहाँ उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। गालिब एक अरब स्मगलर था जो बॉम्बे से ऑपरेट करता था। गालिब यूज टू स्मगल गोल्ड बिस्किट्स, वॉचेस एंड अदर इम्पोर्टेड कॉमोडिटीज। और यहाँ गालिब ने मस्तान को अपने अंडर काम पर रखा था। गालिब थोड़े पैसे दिया करता था मस्तान को चीज़ें स्मगल करने के लिए। और इसी दौरान मुरारजी देसाई, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अवैध दारू और इलीगल इम्पोर्टेड धंधे पर बैन लगा दिया था। एंड दिस वॉज द परफेक्ट सिनेरियो फॉर गालिब एंड हाजी मस्तान। दोनों अगले कुछ सालों तक बहुत पैसा कमाए। मस्तान ने एक नई साइकिल ले ली, अपना एक खुद का घर ले लिया। ही बिकेम द लीडर ऑफ कूलीज। बट एवरी गुड थिंग, दिस डिडेंट लास्ट फॉर टू लॉन्ग। गालिब वॉज सून अरेस्टेड बाय पुलिस। जब गालिब जेल में था, मस्तान को एक आखिरी असाइनमेंट मिला, अ वुडन बास्केट फुल ऑफ गोल्ड बिस्किट्स। अब अगर मस्तान चाहता
तो वो बास्केट को बेच कर वो अपनी लाइफ बना देता। बट दैट वॉजेंट हु मस्तान वॉज। मस्तान ने उस सोने के बिस्किट के बास्केट को छुपा कर रखा और जब गालिब जेल से रिहा हुआ उसे उसने वापस कर दिया। गालिब को मस्तान की ये ईमानदारी बहुत अच्छी लगी, इसलिए गालिब ने मस्तान को अपना 50% पार्टनर बना दिया। रातों रात मस्तान की किस्मत पलट गई। अब उसके पास इतने सारे पैसे थे कि उसको कूली की जॉब की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए उसने स्मगलिंग का धंधा उसका फुल टाइम जॉब बना दिया। गालिब अब दुबई और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाकर गोल्ड, वॉचेस और अलग अलग कॉमोडिटीज़ बॉम्बे में भेजता। हाजी मस्तान वो सब चीज़ों को कस्टम की नज़रों से छुपा कर कलेक्ट करता और जो भी प्रॉफिट होता दोनों आपस में 50-50 बांट लेते। देखते ही देखते हाजी मस्तान की वेल्थ सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। हाजी मस्तान हैड ऑल दी मनी ही वुड एवर नीड, बट दैट वॉजेंट इनफ। हाजी मस्तान ये जानते थे कि पैसा होने से पावर नहीं मिलता। हाजी मस्तान अपने आसपास के दूसरे गैंग्स की खबर रखता और दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने हाजी मस्तान का दिल जीत लिया था, करीम लाला एंड वरदा भाई। हाजी मस्तान ने पहले करीम लाला से हाथ मिलाया और फिर वरदा भाई। एंड जस्ट लाइक दैट थ्री ट्रायोस, हाजी मस्तान, करीम लाला एंड वरदा भाई केम टुगेदर टू रूल ओवर द सिटी बॉम्बे। वाइल हाजी मस्तान कंट्रोल वेस्टर्न बॉम्बे, करीम लाला और वरदा भाई साउथ और सेंट्रल बॉम्बे संभालते थे। फॉर द नेक्स्ट डेकेड तीनों ने पूरे बॉम्बे पे राज किया। पर कहते हैं ना, ये बॉम्बे है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं होता। जहाँ ये तीनों मुंबई में अपना राज चला रहे थे, वही दूसरी तरफ डोंगरी में एक बच्चा क्राइम की दुनिया में अपने पाँव धंसा रहा था।